हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स स्टेशन। आप लोग का बहुत ही स्वागत है हमारे कॉमर्स स्टेशन चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग ने आने वाले ऑल इंडिया बीकॉम एम कॉम एंट्रेंस के लिए अपने क्लासेस को स्टार्ट किए हैं, जिसके हिसाब से हम वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। एंड दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके बीकॉम एंट्रेंस और एम कॉम एंट्रेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एम कॉम एंट्रेंस में क्लास 11, 12 बीकॉम मतलब ग्रेजुएशन पूरा आता है, और आपके बीकॉम में 11, 12 का पूरा आता है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स है ये आपका बेसिक है, मतलब कि ये आपका दोनों इंटेंस के लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको छोड़ने का कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको पूरा बेसिक तैयार करके जाना होगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। अगर आप केवल टॉपिक टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो आपका एंट्रेंस में एडमिशन होने से रह गया। ठीक है, आप पूरा बेसिक अपना तैयार करके जाइए, और हम लोग आपका पूरा बेसिक के साथ साथ एकदम जो एमसीक्यू टाइप होते हैं उसको कवर करवाते हुए साथ में चले चलेंगे। तो आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज हम लोग का पहला वीडियो है, तो आज हम लोग बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी मतलब एक अर्थव्यवस्था क्या होती है। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। देखिए, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मींस टू वांट एंड अर्न अ लिविंग, जो कि एक लोगों को प्रोवाइड करता है कि कैसे वो जीने रहने खाने पीने के लिए अपने चीजों को ढूंढ सकते हैं। इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पे लोग अपना जीना खाना पीना सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को प्रोवाइड करता है, मींस टू वांट्स, जो उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, एंड अर्न अ लिविंग, जहां पे लोग जीने के लिए पैसा कमाते हैं। तो इसमें तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब एक अर्थव्यवस्था जैसे इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं, या किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं? सबसे पहले आपका होता है प्रोडक्शन, मतलब किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन तो होता ही होगा। ठीक है, दूसरा है कंजप्शन, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका कंजप्शन भी हो गई होगा। एंड तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, जो पैसा आता है उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, एंड उससे पैसे से पैसे को क्रिएट किया जाता है। तो बाय चांस आपसे पूछे एग्जाम में कि वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कौन सी प्रोसेस होती है, तो तीन प्रोसेस होती है। पहला आपका है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन। दोस्तों, ये बेसिक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, एंड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आपको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, पहले आपको बेसिक तैयार करना होगा। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन को पढ़ के क्या कर लोगे? क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा, रट्टा मार लोगे आप लोग, बट आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर, स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी होता क्या है, एंड बहुत बार बीकॉम और एमकॉम दोनों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब जब किसी चीज की कमी होती है, मतलब लिमिटेशन, जैसे कि हमारे पास किसी चीज की कमी, तो उसको हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी। तो इसको समझते हैं, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर द कमोडिटी। मतलब भैया सप्लाई बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उस चीज की मार्केट के अंदर कमी हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो पेट्रोल की मार्केट के अंदर हमेशा स्कार्सिटी रहती है। एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि स्कार्सिटी क्या होता है। तो आप लोगों को अगर बेसिक पता है तो आप लोगों को यह पता है कि स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी, तो आप लोग आराम से जा सकते हो कि स्कार्सिटी क्या होता है। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द, ठीक है, इकोनॉमी, तो भैया इकोनॉमी प्रॉब्लम होती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल है, आप मार्केट के अंदर मोबाइल खरीदने के गए, तो वहाँ पे आप कौन सा फ़ोन खरीदेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको दिक्कत आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो एग्जाम में जब भी पूछेगा आपसे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो उसका आंसर होगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बहुत तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, वो ये क्या जाते हैं व्हाट टू हाउ टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, बट ऐसा नहीं है। आपसे पूछेगा प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो आपको बताना है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें, और दोस्तों हाँ, इसका पूरा पीडीएफ नोट विद डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां से देख के लिखने की या स्क्रीनशॉट खींचने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर पूरा कॉमर्स सेशन का नोट्स, ठीक है, वहां पे अवेलेबल है, तो वहां जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपका कोई भी चार्ज वहां पे नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाइए और वहां से जाके सीधे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपको नहीं भी ज्वाइन करना है, वैसे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, पहले ज्वाइन के बाद आप वहां से सारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीवीएस ये पेपर बेचू हो, इलाहाबाद हो, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड अदर पीडीएफ नोट्स भी। ठीक है,
तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया। अब आते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल मेन प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आपने समझ लिया प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब आते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। तो दोस्तों जो सेंट्रल फॉर्म है वो तीन ठो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कि भैया कैपिटल गुड्स कि कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीन्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, दाल चावल आइस व्हीट एंड ऑयल एंड ऑल, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। सेकंड दोस्तों हम लोग का है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कि कैसे हम लोग किसी भी चीज को प्रोड्यूस करें। तो टेक्निक के नाम पे अपने पास दो ठो है कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेबर मतलब मजदूरों की मदद से एंड कैपिटल मतलब मशीनों की मदद से, ठीक है। अपने दो प्रॉब्लम हो गए। अब आते हैं अपनी तीसरी प्रॉब्लम के ऊपर, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके ये प्रोड्यूस करें, ठीक है, किसके प्रोड्यूस करें, मतलब अपने इकोनॉमी में बहुत तरह के लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर रिच या फिर पुअर, ठीक है। तो अपनी सेंटर प्रॉब्लम क्या है, what to produce, how to produce and for whom to produce, इसका मतलब क्या था मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आपका economic problem और center problem हो गया दोस्तों। इसका ICT से economic problem, center problem सबसे question पूछा है, आपसे पूछ देगा what do you mean by technique of production, तो इसका मतलब है how to produce, या पूछ देगा how to produce means what, तो मतलब technique of production। पूछ देगा कितने टाइप की टेक्निक होती हैं, तो भैया होती हैं labor intensive और capital intensive। आपके नोट्स में पूरा एकदम डिटेल में अवेलेबल, आपको कहीं भी जाने की या किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको पूरा का पूरा डिटेल नोट प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोस्तों होता क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कि सेक्रीफाइस ऑफ वन थिंग फॉर द बेस्ट थिंग, मतलब आपने किसी एक चीज का सेक्रीफाइस किया फॉर द बेस्ट थिंग। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझें तो सेक्रीफाइस ऑफ वन अल्टरनेटिव फॉर द बेस्ट अल्टरनेटिव। आपको बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद थी, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं ऑरेंज आइसक्रीम भी अवेलेबल थी, तो आपने ऑरेंज ना खा के आपने बटर स्कॉच को चूज किया, मतलब कि आपने ऑरेंज का सेक्रीफाइस किया फॉर द बेस्ट थिंग, मतलब बटर स्कॉच के लिए। तो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका वर्ड याद रखेंगे sacrifice of one alternative, one thing for the best thing, for the best alternative is known as opportunity cost, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, ठीक है दोस्तों। अब आपका ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है दोस्तों। ये क्या बोलते हैं, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है और मैंने फर्स्ट चैप्टर को पूरा एक वीडियो में ही खत्म करने की कोशिश की है एंड डिटेल के साथ में, ठीक है। तो PPF क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले हम लोग इसके नाम को समझते हैं, सबसे पहले इसका नाम क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। इतने नाम होते हैं इसके, कितने नाम होते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ठीक है। तो इतने नाम होते हैं, आपको ये नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में दूसरे नाम से पूछेगा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो उसको PPF भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपने अच्छे से क्या 11th में और 12th में पढ़ा होगा इसको, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बहुत इजी है, इकोनॉमिक सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो, ठीक है। अब आते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है दोस्तों। ये कुछ भी नहीं है, बस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि एक जमीन के ऊपर हम लोग कितने गुड्स को एंड कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें कुछ एजम्पशंस होते हैं, मतलब कि ये टेक्निक तभी काम करती है जब आप कुछ एज्यूम करके चलते हैं। एज्यूम क्या है, एजम्पशन, और ये एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द एजम्पशन ऑफ PPC कर्व, ठीक है। तो पहले एजम्पशन को देखते हैं, पहला कि अमाउंट ऑफ रिसोर्स आर फिक्स्ड, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्स होगा, सामान होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके पास धान है, किसी भी चीज की बीज है, तो वो फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी। दूसरा, ओनली टू गुड्स प्रोड्यूस, इस मेथड में हम लोग केवल दो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, बट ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, जो भी आपके रिसोर्स होंगे, कुछ भी जो भी आपके रिसोर्स होंगे, उसको आपको एफिशिएंटली, मतलब उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज करना है, ठीक है, मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, जो भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होगे, टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि आप ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हो तो ट्रैक्टर ही इस्तेमाल करोगे और वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप पहले ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे थे फिर व्हीकल को उठा के आए, तो मतलब कि आपकी ये जितने भी एजम्पशन है ये होने चाहिए, तभी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व काम करेगा। ठीक है, तो हमने एजम्पशन समझ लिया, अमाउंट ऑफ रिसोर्स इज फिक्स्ड, ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट रहेगी अपनी। ठीक है, तो अब समझते हैं कि क्या होता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरह का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपका है एक्स गुड, मान लीजिए ए गुड्स है और यहाँ पे आपका बी गुड्स है, ए से हो गया एप्पल, बी से हो गया बनाना। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मतलब कि इसमें हम लोग कितने कॉम्बिनेशन दो गुड्स के प्रोड्यूस को कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जिसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी यूज, मतलब जो हमारे पास रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से ये जान सकते हैं कि कितने कितने क्वांटिटी में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके पास एक जमीन है, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं दो चीज प्रोड्यूस करना है, तो उस जमीन में आप कितना दो गुड्स, मतलब कि मान लीजिए एप्पल और बनाना है, तो कितना एप्पल और कितना बनाना एक साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आपको पता अपने टेक्नोलॉजी और रिसोर्स जो कि फिक्स होगा उसकी मदद से, सिंपल सी भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन इनकम एंड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी शुड बी कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, ये आपका होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके एजम्पशन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बच्चे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आज अपना पूरा कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, भैया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब कि ये नीचे झुका हुआ बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी एक गुड्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आप उगाए हैं ये पॉइंट आपने चूज किया है, ठीक है, यहां पे आपका है 90 और यहां पे आपका है आपका 40, ठीक है, अब आपने ये चूज कर दिया, डी चूज कर दिया, तो यहां पे आपका हो गया 60 और यहां पे आपका हो गया 70, जैसे ही आपने क्या बोलते डी चूज किया तो यहां पे आपने जो एप्पल था एप्पल की प्रोडक्शन को घटा दिया, उसके बाद आपने इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, बनाने की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, तो भैया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही अपने को किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को डिक्रीज करना होता है, क्योंकि अपने पास रिसोर्स क्या है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव शेप, कॉनकेव मतलब जब भी कोई कर्व अपने ओरिजिन से कॉनकेव होगा, कॉनकेव मतलब इस साइड झुका होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव शेप समझिएगा, कॉनकेव शेप कभी ऐसा नहीं होता है, कॉनकेव शेप हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कॉनकेव होता क्यों है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि पीपीसी कर्व इज कॉनकेव शेप, तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अभी यहां पे ये याद करना है, जब एमआईटी आगे के टॉपिक में आएगा तो मैं वहां पे आपको एमआईटी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहां पे एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। अभी आपको बस ये रखना है कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और पीपीसी कर्व कॉनकेव शेप का होता है, क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन एमआईटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पूरे पीडीएफ नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अवेलेबल है हमारे कॉमर्स सेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए। दोस्तों इसके बाद का जो वीडियो होगा वो पैटर्न में आएगा, मतलब कि अब मैं क्या बोलते हैं पैटर्न में वीडियोस को अपलोड करूंगा एंड बहुत जल्दी विद इन एक हफ्ते या क्या बोलते हैं 15 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस दोनों का सिलेबस एंट्रेंस के लिए खत्म कर दूंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उसके साथ में आपका पूरा इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि प्लीज आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, थैंक यू सो मच।